कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं गणित विषय का अध्ययन कर रहा हूँ, गणित के अंदर हम रुपए पैसों पर भाग के सवाल हल कर रहे थे, तो आज हम दो सवाल कर रहे हैं भाग के। 356 रुपए 34 पैसे में आपको 3 का भाग देना है, 654 रुपए 95 पैसे में 5 का भाग देना है। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1, इसमें 3 का भाग लगाना है, 356 रुपये 34 पैसे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इसमें दो इकाइयां हैं, एक रुपये है और एक पैसे है, इनको हम एक साथ भाग नहीं कर सकते, हम केवल जो रुपए हैं पहले इस रुपए के भी संख्याओं को भाग करेंगे। तो जैसे 35 पहले 3 है, तो 3 एकम 3 एक बार घटाया, 3 से 3 गया 0, 5 है 14 रन, 3 के पड़े में 5 आता नहीं है, तो 3 एकम 3 फिर एक बार पाँच में से 3 घटाया 2 रह गए। अब इस 6 को हमने यहाँ उतार दिया, तब ये हो गए 26। अब 3 के फॉर्म 26 आते हैं क्या, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 चौके 18, 3 सत्ते 21, 3 8 24, 3 9 27। तो 27 तो बड़ी संख्या हो गई, तो 27 से छोटी क्या होती है 24, यानी 3 8 24 8 बार, फिर 6 में से 4 गया 2 और 2 से 2 गया 0, ये बच गया शेष। तो ये शेष जो बच्चा ये क्या है, 2 रुपये, क्या है 2 रुपये। अब जो हमें आगे भाग लगाना वो है पैसे, तो हम क्या करेंगे, 2 रुपये जो बचे हैं इन 2 रुपये को पहले हम किस में बदलेंगे, पैसों में बदलेंगे। तो आपको पता है कि 1 रुपये में 1 रुपये बराबर 100 पैसे, और पैसों को रुपये में बदलने के लिए हम 100 की गुणा करते हैं, क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो 2 रुपये को पैसों में बदल दो, तो 2 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 200। अभी 200 क्या बन गए, पैसे 34 पैसे हमारे पास पहले से पड़े हैं, ये 34 पैसे हम इसमें जोड़ देंगे, संख्या बनेगी 234 पैसे। अब देखिए भाग लगा दीजिए, सबसे पहले 23, अब 23 पाड़े में 23 3 के पाड़े में नहीं आता है, तो 3 के पाड़े में 23 से छोटी संख्या क्या होती है 21, तो वो कितनी बार आता है 3 सते 21, ये रुपए हो गए। अब 3 सते 21, 3 में से 1 गया 2 और ये 4 उतर गया, ये हो गया 24, और 3 के पाड़े में 24 कितने बार आता है 8 बार, 3 में के 24, और ये हो गया आपका पैसा, और 24 के नीचे 24 तो शेष पर क्या रहेगा इसका मिल, कुछ नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से आपको ये भाग करना है। फिर इसका दूसरा सवाल, यानी आपको 5 का भाग देना है 654 रुपये 95 पैसे में। तो भाग का तरीका तो वही है, सबसे पहले 6 में जाता नहीं है, तो 6 से छोटी संख्या होगी 5, 6 एकम 6 एक बच गया, 5 उतर दिया, तो ये 5 3 के पाड़े में 15 कितनी बार आएगा, 5 के पाड़े में 15 आता है 3 बार, 5 एक 5 5 दो 10 5 3 15 पूरा आता है।
फिर 15 से 0 0 0 बच गए, अब इस चार को हमने नीचे उतार दिया। अब पांच के पाड़े में तो चार आने की संभव ही नहीं है, हम क्या कहते हैं भाग टूट गया, टूट तो यहाँ क्या लगाते हैं हम जीरो, क्या लगाते हैं जीरो, और पास में अगर कोई संख्या होती है तो हम उसको नीचे उतार देते हैं। तो ये अब यहाँ पर चार रुपये बचे हैं, हमने जो समझाया था मैंने अभी आपको, तो एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो इस चार रुपये को पैसों में बदलने के लिए हम 100 का क्या लगा देंगे भाग, तब ये हो जाएगा 400। फिर चार में हमारे पास ऊपर से बचे हैं, इसको हमने नीचे ले लिया और इसके अंदर क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ये रुपये हो गए। अब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 495, कितना बनेगा 495। तो हम सबसे पहले थे 49, पाँच के पाड़े में 49 आता नहीं है, और 49 से छोटी संख्या होती है 45, और वो पाँच के पाड़े में आती है 9 बार, 9×45। अब 49 में से 45 घटाओ तो 4, 0, फिर 5 उतरते 45 बन गया, फिर 9 बार, 9×45, ये हो गए पैसे, और यहाँ से फल रहा नील यानी 0। तो ये इस प्रकार से भाग आपको अपनी कॉपी में हल करने हैं। तो दो सवाल को कॉपी में उतारिए और फिर स्वयं इन्हें हल करने का अभ्यास कीजिए। अब मैं आपको इंग्लिश विषय का अध्ययन करूँगा। अंग्रेजी के अंदर आज मैं आपको एक ऐसे लिखा रहा हूँ जिसका नाम है माय बेस्ट फ्रेंड, यानी मेरा प्रिय मित्र। तो इसकी हम 8-10 लाइनें लिखेंगे। तो इसके अंदर पहली लाइन है वो है आपके दोस्त का नाम, जैसे वाली मैंने लिखा रोहन, ROHAN, रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी रोहन मेरा प्रिय मित्र है। रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, रोहन मेरा प्रिय या सबसे अच्छा दोस्त है। ही इज माई क्लासमेट, ही इज माई क्लासमेट मीन्स क्या होता है सहपाठी, साथ पढ़ने वाला, क्या होता है साथ पढ़ने वाला, यानी वह मेरे साथ ही पढ़ता है। फिर ही LIVES लिव्ज, लिव्ज मीन्स क्या होता है रहना या रहता है, लिव्ज नियर माई हाउस, यानी वह मेरे घर के पास रहता है। ही लिव्स नियर माई हाउस, वह मेरे घर के पास रहता है। ही इज HONEST, ही इज ऑनेस्ट बॉय, देखिए HONEST ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है ईमानदार, क्या होता है ईमानदार। तो ही इज ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। नेक्स्ट लाइन है इसकी, ही इज HEALTHY हेल्थी, ANDSTRONG स्ट्रॉन्ग, ही इज हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, वह स्वस्थ और शक्तिशाली है। ही HELPS हेल्थ, द पुअर, वह गरीबों की मदद करता है। ही इज
फॉर स्कूल, और वह स्कूल कभी भी देर से नहीं आता है, वह स्कूल देर से नहीं आता है। ही RESPECT ही रिस्पेक्ट्स द टीचर, वह सभी अध्यापकों का सम्मान करता है। तो ये 8 लाइनें लिखी है हमने, इस 8 लाइनों को अपने कॉपी में उतारिए और इन्हें स्वयं बिना देखे लिखने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।